हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड ऑनलाइन पेड कोर्स में आपका स्वागत है। यह कोर्स आयोग द्वारा ली जाने वाली समस्त परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड की समस्त परीक्षाओं को कवर करेगा। इस कोर्स में आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे जो लगभग 45 ज़्यादा वीडियो होंगे। इसके अतिरिक्त हैंड रिटन नोट्स, जिसको क्लासरूम नोट्स कहा जाता है, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको टेस्ट सीरीज़ के भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें अधिकतम 1000 लगभग प्रश्नों की संख्या रखेंगे। और इसके अतिरिक्त हम संस्थान के द्वारा एक विशेष रूप से प्रयास किया जाएगा डाउट सेशन रखने का, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ने या उत्तराखंड की परीक्षाओं को तैयारी करने में जो सबसे छात्रों के उनमें प्रश्नों के ऊपर से डाउट रखते हैं, या हम जो क्लास नोट्स के डाउट हो गए, या वीडियो में बना रहे हैं, या जो टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी उसमें जितने डाउट होंगे उसको हम अलग से डाउट सेशन के टाइटल से उसमें डिस्कस किया जाएगा। यह कोर्स परीक्षाओं में आपको जो आने वाले एग्जाम हो रहे हैं, उन एग्जाम में आपको 75 से लेकर 80% प्रश्नों को कवर करेगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के माध्यम से भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस कोर्स पर 50% डिस्काउंट या 50% की छूट दी जा रही है, जो कि एक लिमिटेड टाइम ऑफर के अंतर्गत रखा गया है। जो कोई स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो हम आने वाले परीक्षाओं को देखते हुए उत्तराखंड के जितने छात्र हैं उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साथ हम मिलते हैं अपने उत्तराखंड के ऑनलाइन पेड कोर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्तराखंड ऑनलाइन वीडियो में। हम अपने इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से जितने भी उत्तराखंड के छात्र हैं उनको उत्तराखंड का कंप्लीट कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं, और जिसमें हम उत्तराखंड के इतिहास, भूगोल और अन्य महत्वपूर्ण विषयों को भी उसमें अध्ययन किया जाएगा। तो जैसे कि हमारे जो ये लेक्चर चल रहा है उत्तराखंड का, हमने अपने पूर्व के लेक्चर में प्राचीन उत्तराखंड और मध्यकालीन उत्तराखंड को डिस्कस किया है, जिसके अंतर्गत हमने प्राचीन उत्तराखंड में महत्वपूर्ण राजवंश, चाहे जो कुलिंद राजवंश हो, पौरव राजवंश हो, कर्तपुर राजवंश हो, कार्तिकेयपुर राजवंश हो, तथा कत्यूरी राजवंश को हमने उसमें डिस्कस किया था। कत्यूरी राजवंश के पश्चात उत्तराखंड का जो मध्यकालीन उत्तराखंड प्रारंभ माना गया है, उसमें जो हमारा राजवंश चल रहा है वो चंद्र राजवंश चल रहा है। तो इससे पूर्व के लेक्चरों में हमने ये देखा था कि किस तरह से उत्तराखंड में चंद्र राजवंश की स्थापना हुई थी। जैसा कि चंद्र राजवंश के संस्थापक के रूप में विद्वानों के बीच में मतभेद को देखा गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि चंद्र राजवंश का जो संस्थापक था वो थोड़चन्नी के थी, जिसमें अगर हम मुख्य रूप से बात अगर करें तो हर्षदेव जोशी जी के अनुसार यह कथन था उनका कि चंद्र राजवंश का संस्थापक थोड़चंद था। किंतु जब हमने चंद्र राजवंश की वंशावलियों को देखा गया था तो वंशावलियों में जो प्रथम राजा का नाम मिला था वो सोमचंद था, और अधिकांश इतिहासकारों का यह मत हुआ कि सोमचंद के द्वारा ही चंद्र राजवंश की स्थापना की गई थी। सोमचंद, जिसका परिचय हम संक्षिप्त में लेकर चलते हैं, सोमचंद को हमने कहा था कि इलाहाबाद झूसी के निकट का रहने वाला था, उत्तराखंड में तीर्थाटन हेतु आया था। उत्तराखंड में जब सोमचंद की एंट्री होती है तो कहते हैं कि वो काली कुमाऊं नामक क्षेत्र में गया था, और उस काली कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरी शासक का शासन था, जिसका नाम हमको प्राप्त होता है वीरमदेव, और जिसी को ब्रह्मदेव कहा है। तो वो सोमचंद के चरित्र से बहुत प्रभावित होता है और इस प्रकार अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से संपन्न करता है, और सोमचंद के द्वारा लगभग 700 ईस्वी में चंद्र राजवंश की स्थापना की गई थी। सोमचंद के पश्चात हमने अन्य शासकों में बात किया था, जैसे हमने सोमचंद के बाद आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद के उसमें पढ़ा था। इंद्रचंद के पश्चात वीणाचंद। वीणाचंद वो शासक था जिसके समय उत्तराखंड में खसों ने आक्रमण किया था, और कुछ खस शासकों का नाम हमें उत्तराखंड से प्राप्त हुआ था, जिस प्रकार से बीजड़, चीचड़, और अंतिम खस शासक सोपाल, जिसकी हत्या वीरचंद कर देता है, और वीरचंद को चंद्र राजवंश का पुनर्संस्थापक माना जाता है। तो सोमचंद से लेकर भारतीचंद तक, सोमचंद से लेकर भारतीचंद तक जितने शासक थे वो सब मांडलिक शासक माने गए हैं। मांडलिक शासक का अर्थ यह होता है कि स्वतंत्र शासक नहीं थे, और यह कर के रूप में जो डोटी के शासक है उनके अधीन राजा थे, जिसको भारत में सामंतशाही शासन बोला जाता है, उसे उत्तराखंड में मांडलिक वर्ड यूज़ किया गया है। तो हमने देखा था कि मांडलिक शासक जो भारतीचंद था, भारतीचंद के द्वारा डोटियों के विरुद्ध आक्रमण किया गया था और डोटी शासक को पराजित किया था। इस प्रकार से भारतीचंद के द्वारा मांडलिक उपाधि त्याग दी थी। भारतीचंद के पश्चात हमने ये देखा था उसका पुत्र रत्नचंद। रत्नचंद भी जो एक चंद्रवंश का महत्वपूर्ण शासक था, वो भी डोटियों के विद्रोहों को दबाने के लिए गया था। रत्नचंद के पश्चात हमने देखा था कीर्तिचंद। कीर्तिचंद वो शासक था जिसको बद्रीदत्त पांडे जी ने कुमाऊं का सबसे प्रतापी शासक माना है, और उसके सबसे प्रतापी शासक मानने का यह कारण था, कहा जाता है कि कीर्तिचंद ने वर्ष 1491 में गढ़वाल में आक्रमण किया था, और गढ़वाल में उस समय अजयपाल का शासन था। अजयपाल जो कि गढ़वाल का सबसे प्रतापी प्रतापी शासक था। तो कीर्तिचंद के द्वारा गढ़वाल के राजा अजयपाल को पराजित किया गया था, अतः भरदेव पांडे जी ने कीर्तिचंद को चंदों का सबसे प्रतापी शासक माना है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कीर्तिचंद के पश्चात शासकों की, और कीर्तिचंद के पश्चात भीष्मचंद, रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद तक का पहुंचने का अपने इस लेक्चर में उस पूरे टॉपिक को कवर करने का प्रयत्न करेंगे। तो आगे अब बात करते हैं किस प्रकार से भारतीचंद के पश्चात चंद राजवंशों ने शासन किया। भारतीचंद के पश्चात रत्नचंद, रत्नचंद के पश्चात कीर्तिचंद, कीर्तिचंद के पश्चात ताराचंद, प्रतापचंद, मानिकचंद जैसे चंद शासकों का वर्णन मिलता है, लेकिन उनकी कुछ खास उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है। अतः आज के उसमें जो हमारा महत्वपूर्ण शासक है उसका नाम है भीष्मचंद। तो आज का महत्वपूर्ण शासक चंदों में भीष्मचंद। भीष्मचंद का शासनकाल, भीष्मचंद का शासनकाल 1555 ईस्वी से आरंभ माना गया है, जो लगभग 1560 ईस्वी तक उसका शासनकाल माना गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम 1555 ईस्वी में पहुंच गए हैं, यानी कि भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो अतः हमने बाकी के जो उत्तरवर्ती चंद शासकों को पढ़ने से पहले एक नज़र हमने मुगलों के जिन्होंने शासन किया था उनके क्रम में भी देखनी है, क्योंकि फिर हम उससे हमारा यह आसान हो जाएगा कि जिस तरह से उत्तराखंड में अगर चंद राजवंश चल रहा है तो वहाँ पर मुगलों में राजा कौन है। तो मुगलों का जैसे सबको अधिकांशतः सबको पता है, मुगलों में बाबर के द्वारा मुगल राजवंश की स्थापना की गई थी, बाबर के द्वारा। और बाबर का जो शासनकाल है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 से लेकर 1530 तक। बाबर ने भारत में 4 युद्ध किए थे। 1526 के पश्चात 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर के बाद उसका बेटा राजा बनता है, पुत्र का नाम होता है हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल 1530 से प्रारंभ होता है। 1540 में शेरशाह सूरी के युद्ध की वजह से हुमायूं को 15 साल भारत से निर्वासित के रूप में जीवन व्यतीत करना पड़ता है, और 15 साल बाद 1555 ईस्वी में हुमायूं की भारत में पुनः वापसी होती है, और दुर्भाग्यवश सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के पश्चात उसका पुत्र ने शासन किया था, जिसको कहते हैं अकबर। अकबर वो व्यक्ति जिन्होंने शासन किया था पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक जो शासन है वो अकबर का शासन मिलता है। अकबर के पश्चात उसके पुत्र ने शासन किया था, अकबर का बेटा, जिसको कहते हैं जहांगीर। और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारिता का स्वर्ण युग कहा गया है। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 के मध्य तक जहांगीर ने शासन किया था। जहांगीर के पश्चात उसके पुत्र शाहजहाँ ने शासन किया था, शाहजहाँ जिसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। शाहजहाँ का शासनकाल 1627 से जाता है, और लगभग 1658 में जब उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है, शाहजहाँ का शासनकाल 1658, हालांकि 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु होती है, लेकिन 1658 तक शाहजहाँ का शासनकाल। शाहजहाँ के पश्चात मुगल साम्राज्य का अंतिम महान व्यक्ति जो था उसका नाम था औरंगजेब। महान वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ तक मुगल साम्राज्य का पतन नहीं हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन भी प्रारंभ माना गया है। औरंगजेब 1658 में शासन करता है उत्तराधिकार के युद्ध को जीतने के पश्चात, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही भारत में आधुनिक भारत का युग प्रारंभ माना गया है। तो ये मुगल शासकों का टाइम पीरियड हमने इसलिए रखा क्योंकि जो उत्तरवर्ती चंद शासक हैं वो इन मुगलों के अंतर्गत आ जाएंगे कि जब उत्तराखंड में रुद्रचंद का शासनकाल था तो मुगल शासकों में अकबर का शासनकाल था। लक्ष्मीचंद यहाँ से चलेगा और वहाँ से मुगल शासक जहांगीर का शासनकाल प्रारंभ माना जाता है। तो जैसे कि जो भीष्मचंद है, भीष्मचंद का शासनकाल 1555 से लेकर 1560 ईस्वी के मध्य तक। तो इस समय भारतीय इतिहास में अगर हम देखेंगे तो मुगल राजवंश का शासनकाल है और मुगलों का राजा अकबर। तो पहली बात भीष्मचंद के उसमें यही पॉइंट है कि उसमें अगर हम देखेंगे मुगल शासक अकबर के समकालीन जो कुमाऊं का राजा था उसका नाम भीष्मचंद माना गया है। भीष्मचंद, हमें पता है सोमचंद ने स्थापना की थी चंद्र राजवंश की, और सोमचंद के द्वारा राजधानी के रूप में स्थापित किया गया क्षेत्र उसको कहा था राजबुंगा। राजबुंगा जिसको वर्तमान में हम कहते हैं चंपावत। तो चंपावत में सोमचंद के द्वारा राजधानी स्थापित की गई थी। अब इस राजधानी को परिवर्तित करने का विचार किया गया। हालांकि भीष्मचंद ये चाहता था कि राजधानी परिवर्तित हो जाए, किंतु भीष्मचंद ने सिर्फ इसको राजधानी परिवर्तित करने का विचार किया था। तो अभी तक जो राजधानी चंपावत में थी सोमचंद के द्वारा स्थापित की गई थी, इस चंपावत राजधानी में भीष्मचंद ने देखा कि जगह जगह से आक्रमण हो रहे हैं। जैसे हम देखें तो रोहिले वाला भी आक्रमण उनके तराई क्षेत्र में कर रहे थे। इसके अतिरिक्त रोहिलों के अतिरिक्त गढ़वाल के राजा ने भी हम पर आक्रमण किया था 1492 में अजयपाल ने, और अजयपाल के अतिरिक्त अगर हम देखेंगे तो डोटियों के द्वारा भी समय समय पर विद्रोह उत्पन्न किया जा रहा था। तो भीष्मचंद्र ने यह विचार किया कि राजधानी को एक ऐसे केंद्र में लेके जाएं जो कि बिल्कुल सेंटर में हो, केंद्र में हो, और हर चीज़ से अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से वो जो स्थल हो बड़ा प्रसिद्ध हो। तो भीष्मचंद्र के द्वारा राजधानी परिवर्तित करने का विचार किया गया था। तो जैसा कि हमें पता है भीष्मचंद, इतिहासकारों का यह मानना है जो भीष्मचंद जो था ये चंदों में शासक बनने में सर्वाधिक आयु का व्यक्ति था। जिस प्रकार से महाभारत में भीष्म जो पितामह जी थे उनमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उसी प्रकार से जो भीष्मचंद है ये भी चंदों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था। अब जैसे यद्यपि अगर कभी युद्ध होता तो युद्ध 1 या 2 दिन तक तो युद्ध ही करना होता, और भीष्मचंद जैसे कि हमने कहा कि एक बूढ़ा राजा है, तो इसने देखा कि ये युद्ध में अब 1-2 दिन तक युद्ध को मैं नहीं पाएगा, तो इस वजह से इसने राजधानी को परिवर्तित करने का विचार किया। भीष्मचंद चंदों की राजधानी को परिवर्तित किया गया था भीष्मचंद के द्वारा एक स्थान पर, और उस क्षेत्र का नाम मिलता है खसिया खोला। ये जो खसिया खोला का क्षेत्र है इसकी वर्तमान स्थिति देखी गई है अल्मोड़ा में, और इसको खसिया खोला क्षेत्र इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर खस शासकों का आधिपत्य था। खस शासक जैसे कि हमें पता है वीणाचंद के समय भी खसों का आक्रमण हुआ था, उसके पश्चात वीरचंद के समय वीरचंद ने खस शासक को पराजित कर दिया था, और भीष्म और फिर खसों के द्वारा अल्मोड़ा में जाके शरण ली गई थी। तो यहाँ पर खसिया खोला नाम इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर खसों का आधिपत्य था, और खस शासक उसका नाम प्राप्त हुआ है गजवा सिंह। यहाँ खस शासक गजवा सिंह का अधिकार था, और भीष्मचंद अपनी राजधानी खसिया खोला नामक स्थान पर स्थानांतरित की थी। भीष्मचंद ने अल्मोड़ा में या खसिया खोला स्थान पर बोले, भीष्मचंद के द्वारा एक दुर्ग का भी निर्माण किया गया था, और इस दुर्ग का नाम रखा गया था खगमरा दुर्ग। तो सीधे तथ्य में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खगमरा दुर्ग की स्थापना किसने की थी, तो खगमरा दुर्ग की स्थापना, खगमरा दुर्ग का जो निर्माण किया था उसका नाम प्राप्त होता है भीष्मचंद। तो कहते हैं भीष्मचंद ने जब खगमरा दुर्ग का निर्माण किया अपनी राजधानी बनाने के लिए, तो उस दुर्ग में भीष्मचंद रात्रि विश्राम कर रहा था, और इस बात का फायदा उठा के जो खसवा सिंह है जो गजवा सिंह है, गजवा सिंह के द्वारा भीष्मचंद की रात्रि में कर दी गई थी हत्या। तो इस प्रकार से भीष्मचंद के द्वारा राजधानी स्थायी रूप से परिवर्तित नहीं की गई, किंतु राजधानी परिवर्तित करने का विचार भीष्मचंद के द्वारा जारी किया गया था। भीष्मचंद की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भीष्मचंद की कोई संतान नहीं थी, अतः भीष्मचंद की कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने की वजह से भीष्मचंद ने एक पुत्र को गोद लिया था, और उस पुत्र का नाम प्राप्त होता है बलदेव कल्याणचंद, जिसको हम बलदेव कल्याणचंद का एक अन्य नाम बालो कल्याणचंद भी उपलब्ध हुआ है। तो ये बालो कल्याणचंद या जो बलदेव कल्याणचंद है ये भीष्मचंद का दत्तक पुत्र था, और कहते हैं कि भीष्मचंद ने इसको ताराचंद से गोद लिया था। तो अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वो है बालो कल्याणचंद। बालो कल्याणचंद का समय भीष्मचंद की मृत्यु के पश्चात उसका दत्तक पुत्र शासन करता है, और दत्तक पुत्र का नाम होता है बलदेव कल्याणचंद या बालो कल्याणचंद। बालो कल्याणचंद का समय 1560 से लेकर 1568 तक, और जिस प्रकार से हम देख सकते हैं बालो कल्याणचंद भी मुगल शासक अकबर के समकालीन है। तो बालो कल्याणचंद के उसमें पहली बात रही कि बालो कल्याणचंद भी मुगल शासक अकबर के समकालीन था। इतिहासकारों का यह मानना है जब भीष्मचंद ने राजधानी परिवर्तित की थी उस समय बालो कल्याणचंद अपने राज्य में नहीं होता है, डोटियों के द्वारा पुनः विद्रोह किया जाता है, और बालो कल्याणचंद कहते हैं कि उस समय डोटी यानी कि नेपाल में विद्रोहों को दबाने के लिए वो नेपाल गया था। नेपाल में जब बालो कल्याणचंद होता है तो तो राजा की हत्या हो गई। यह सूचना नेपाल में बालो कल्याणचंद तक पहुंचाई जाती है। बालो कल्याणचंद थोड़ी समझदारी से कार्य लेता है और जो डोटी में विद्रोह कर रहा था उस डोटी शासक का नाम था हरिमल। डोटी शासक हरिमल, बालो कल्याणचंद के समकालीन डोटी शासक हरिमल था। बालो कल्याणचंद के द्वारा हरिमल की पुत्री, आधे राइटर कहते हैं उसकी पुत्री नहीं उसकी बहन थी, तो हम दोनों चीज़ लेके चलते हैं, तो बालो कल्याणचंद के द्वारा हरिमल की पुत्री से विवाह कर लिया जाता है। तो विवाह वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे बालो कल्याणचंद के द्वारा। विवाह पश्चात बालो कल्याणचंद कहता है अपनी वाइफ यानी कि हरिमल की पुत्री से, कहता है कि दहेज के रूप में आप हमें सीरा का क्षेत्र देना। दहेज के रूप में शीरा का क्षेत्र की मांग की जाती है बालो कल्याणचंद के द्वारा। अगर आधुनिक समय में कि दहेज की मांग की जाती तो सीधे बालो कल्याणचंद को गिरफ्तार कर लिया जाता आज के समय में। तो पहले की बात है, दहेज वाला के चीज उसमें चलता ही था। तो बालो कल्याणचंद दहेज के रूप में शीरा का क्षेत्र मांगता है, किंतु हरिमल के द्वारा यह कहा जाता है कि शीरा का क्षेत्र हम डोटियों का शीश है, अतः हम अपने शीश को नहीं दे सकते हैं, तो शीरा के स्थान पर शोर का क्षेत्र देने में सहमति बनती है। तो इस प्रकार शोर के क्षेत्र को भी कुमाऊं में मिला लिया जाता है बालो कल्याणचंद के द्वारा। बालो कल्याणचंद डोटी में उत्पन्न विद्रोहों को संधि के अंतर्गत दबा के वापस पुनः अपने राज्य में आता है और बालो कल्याणचंद के द्वारा राज्य वापसी के अंतर्गत सर्वप्रथम अल्मोड़ा में आके अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लिया जाता है और बालो कल्याणचंद के द्वारा गजवा सिंह की हत्या कर दी जाती है। बालो कल्याणचंद गजवा सिंह की हत्या कर देता है, अपने पिता का प्रतिशोध को पूरा करता है और बालो कल्याणचंद को यह पता होता है कि उसके पिता यानी कि भीष्मचंद की अंतिम इच्छा यह थी कि राजधानी को अल्मोड़ा में स्थापित किया जाए। इस प्रकार से बालो कल्याणचंद के द्वारा लगभग 1563 ईस्वी में चंपावत से राजधानी स्थानांतरित करके स्थायी रूप में अल्मोड़ा या खसिया खोला में यह राजधानी को स्थापित किया जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि राजधानी को परिवर्तित करने का विचार किसका था, तो आंसर आएगा भीष्मचंद। और कौन शासक था जो राजधानी को स्थायी रूप में जिसने परिवर्तित किया था या स्थायी रूप से जिसने स्थानांतरित किया था, उस शासक का नाम है बालो कल्याणचंद। बालो कल्याणचंद ने अनेक लोकहित कार्य किए थे। अगर बालो कल्याणचंद की उपलब्धियों के बारे में देखें तो बालो कल्याणचंद के द्वारा दानपुर विजय की गई थी। दानपुर बागेश्वर का क्षेत्र, इसको जीता था। इसके अतिरिक्त बालो कल्याणचंद अपनी गंगोली, पिथौरागढ़ गंगोली विजय के लिए भी बालो कल्याणचंद को याद रखा जाता है। इसके अतिरिक्त बालो कल्याणचंद ने अल्मोड़ा में नए पोखर किला या नए पोखर दुर्ग का भी निर्माण किया गया था। तो भीष्मचंद के पश्चात महत्वपूर्ण शासक, उसका नाम प्राप्त होता है बालो कल्याणचंद। अपने इस वीडियो में देखिए बहुत से आजकल अगर हम देखें जो हमारा जो सोशल मीडिया है, एक ओर से पढ़ाई का ही बहुत अच्छे हिस्सा है, क्योंकि आपने देखा था जिस तरह से लॉकडाउन में कोचिंग संस्थान सारे बंद थे तो पढ़ाई के रूप में सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही हमारे पास उपलब्ध था। तो आप अगर यूट्यूब में देखें तो बहुत सारे आपको चैनल ऐसे मिल जाएंगे जो उत्तराखंड के विषय को लेकर चल रहे हैं, परंतु उनमें एक बात यह है कि उन्होंने उत्तराखंड को 40 मिनट या 23 मिनट की एक वीडियो के रूप में बना रखा है और पूरे 60 चंद्र राजा पवार राजाओं को उन्होंने एक ही लेक्चर में कंप्लीट किया है। तो हमारे इस उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स में हमारा प्रयास यह रहेगा कि हम अधिक से अधिक जानकारी आप छात्रों के तक पहुंचाएं। इसलिए हमने क्या कह रहे हैं, जो चंद्र राजवंश है इसको एक जो महत्वपूर्ण शासक है उनको भी लिया है और एक ही वीडियो में पूरा चंद्र राजवंश को कंप्लीट नहीं किया है। हम इसकी चंद्र राजवंश की अलग अलग वीडियो आपको देते रहेंगे और सिर्फ चंद्र राजवंश की नहीं, संपूर्ण उत्तराखंड को हम अलग अलग लेक्चर में लेके उसको जारी रखेंगे। तो ऐसा नहीं हो कि एक वीडियो में हमने पूरा उत्तराखंड को कवर कर दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ये आप सब लोग जानते ही हैं। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं चंद्र शासकों के महत्वपूर्ण राजाओं में। तो बालो कल्याणचंद के पश्चात चंद्र वंशावलियों में जो अगला राजा प्राप्त होता है उसका नाम है रुद्रचंद। रुद्रचंद वो व्यक्ति है जिसको चंदों का एक शक्तिशाली राजा कहा जा सकता है या रुद्रचंद चंदों का सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में भी जाना जाता है। रुद्रचंद जो कि बालो कल्याणचंद का पुत्र होता है। रुद्रचंद का समय 1568 से बालो कल्याणचंद की मृत्यु 1568 में होती है। 1568 से 1597 इसके मध्य में जो शासक कार्य किया गया है वो रुद्रचंद के द्वारा शासन किया गया है। और जैसे कि हमने बोर्ड में पहले मुगल साम्राज्यों की वंश के शासकों का नाम और उनका ईयर लिखा है, तो जैसे कि देख सकते हैं रुद्रचंद 1568 से 1597। तो रुद्रचंद्र भी अकबर मुगल सम्राट अकबर के समकालीन था। तो चंद्र में रुद्रचंद का शासनकाल था, तो भारतीय इतिहास में उस समय मुगल शासक अकबर का शासनकाल था। रुद्रचंद के उसमें महत्वपूर्ण विषय क्या है? रुद्रचंद वो शासक है जो अकबर का समकालीन है, और यह कहते हैं कि अकबर ने अपने एक सूबेदार नियुक्त किया था, कहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर का सूबेदार था और उसका नाम था हुसैन खान। हुसैन खान वो व्यक्ति, वो सेनापति अकबर का जिसने रुद्रचंद के तराई क्षेत्र में आक्रमण किया था, या ये कह सकते हैं कि रुद्रचंद के विरुद्ध जिसने आक्रमण किया था उसका नाम था हुसैन खां। इसका नाम हुसैन खां है, किंतु इसको पूर्ण नाम से जाना जाता है हुसैन खां टुकड़िया। इसका उपलब्धि या उपाधि बोलें या इसका हम एक अन्य नाम बोलें, हुसैन खां टुकड़िया। अब हुसैन खां को हुसैन खां टुकड़िया क्यों कहा गया, तो संक्षेप में सुनते हैं। तो कहते हैं इतिहासकार कि जब हुसैन खां अपने जम्मू कश्मीर में था तो इसने इसके सामने से एक व्यक्ति जा रहा था, तो हुसैन खां उसको सलाम करता है। तो हुसैन खां के जो अन्य सैनिक होते हैं वो कहते हैं महाराज आपने जनाब आपने उनको सलाम क्यों किया? तो हुसैन खां कहते हैं कि वो मुस्लिम व्यक्ति था इसलिए उनको सलाम कर दिया। तो हुसैन खां का सैनिक बोलता है कि महाराज जनाब वो मुस्लिम नहीं वो हिंदू व्यक्ति था। तो हुसैन खां को अपने बहुत क्रोध आता है कि उसने किसी हिंदू व्यक्ति को सलाम कर दिया। तो तब से हुसैन खां एक निर्णय ये लेता है, वो यह आदेश देता है कि उसके राज्य में जितने व्यक्ति हैं वो अपने कंधे में कपड़े का एक टुकड़ा डाल के चलेंगे। तो इसी कपड़े का टुकड़ा डालने के कारण उसका नाम आ गया हुसैन खान टुकड़िया। तो उसी हुसैन खान टुकड़िया ने कुमाऊं में आक्रमण किया। हुसैन खां टुकड़िया ने कुमाऊं में कुल 3 बार आक्रमण किए थे, जिसमें प्रथम आक्रमण 1568 में हुसैन खां ने आक्रमण किया, और इसको आक्रमण करने का आदेश अकबर के द्वारा दिया जाता है। और हुसैन खां बहुत सरलतापूर्वक अधिकार कर लेता है तराई क्षेत्र में। देखिए हम चंद्रवंश वालों के लिए, कुमाऊं वालों के लिए हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है हमारा तराई का क्षेत्र, और इसके विपरीत जब हम पवार राजवंश को लेके चलेंगे तो पवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता था उनका देहरादून का क्षेत्र। तो इस तरह से हुसैन खां के द्वारा 1568 में तराई क्षेत्र में आक्रमण कर लिया जाता है, अपना अधिकार कर लिया जाता है। किंतु अकबर जो था इस समय वो अपने सैन्य अभियान में व्यस्त था, तो अकबर के द्वारा हुसैन खां को वापस बुला लिया जाता है। तो इस अवसर का लाभ उठाकर रुद्रचंद्र के द्वारा पुनः तराई क्षेत्र में अधिकार कर लिया जाता है। तो अकबर के आदेशानुसार हुसैन खां अकबर के अभियान में सम्मिलित हो गया और पुनः तराई में रुद्रचंद का अधिकार हो गया। यह बात पता लगती है अकबर और हुसैन खां को, तो अकबर पुनः आदेश देता है रुद्रचंद को कि आप जाइए और तराई क्षेत्र में आक्रमण करना। और सिर्फ तराई क्षेत्र में नहीं, अल्मोड़ा जो कि अब राजधानी अल्मोड़ा में आ गई है, और अल्मोड़ा में भी अपना अधिकार करना। तो अकबर के आदेशानुसार रुद्रचंद के द्वारा पुनः आक्रमण कर दिया जाता है हमारे तराई में, तराई का क्षेत्र पुनः जीत लिया जाता है। इसके पश्चात रुद्रचंद पुनः आगे बढ़ता है और अल्मोड़ा की चंदों की राजधानी अल्मोड़ा में अधिकार करने का प्रयत्न करता है। तो 1575 में हुसैन खां के द्वारा पुनः तराई में अधिकार कर लिया, और अब वो अल्मोड़ा में आ गया है चंदों के रुद्रचंद की सेना के विरुद्ध में। तो कहते हैं जब रुद्रचंद पहाड़ी क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए जा रहा होता है तो यह उसके आक्रमण असफल रहते हैं, जिसका कारण होता है उत्तराखंड का मौसम। तो उत्तराखंड का जो मौसम है प्राकृतिक आपदा वाला क्षेत्र है। 1 हफ्ते अगर यहाँ थोड़ी सी बारिश आती है, अगर वर्तमान समय में देखेंगे तो एक पूरी बारिश हल्द्वानी के क्षेत्र की व्यवस्था की पोल खोल के रख देती है, सड़कों में जलभराव हो जाता है और बादल फटना, ऐसी घटना हमारे उत्तराखंड में चलती रहती हैं। तो यही वजह होता है जिस तरह से जब हुसैन खां टुकड़िया पहाड़ी क्षेत्र में आक्रमण करता है तो कहते हैं उस समय वर्षा आ जाती है, जिस कारण इसका आक्रमण असफल हो जाता है। हुसैन खां पुनः आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है और हुसैन खां तराई क्षेत्र से ऊपर को आ रहा है, और हम जो अल्मोड़ा में क्षेत्र होते हैं चंद वाले व्यक्ति वो ऊपर से हुसैन खां के ऊपर पत्थर बरसा देते हैं। तो इस आक्रमण के कारण हुसैन खां पुनः गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तो हुसैन खां के द्वारा एक मैसेज पहुंचाया जाता है रुद्रचंद तक, और यह कहा जाता है रुद्रचंद अगर आपकी हिम्मत है तो आप हमसे इक्फा युद्ध करके दिखाइए। इक्फा युद्ध, इसके अंतर्गत यह होता है, यह युद्ध सिर्फ राजा और राजा के बीच में होगा, इसमें सैनिक नहीं आएंगे, जिसको वन ऑन वन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वन ऑन युद्ध होता है इक्फा युद्ध, और कहते हैं कि इस इक्फा युद्ध में रुद्रचंद के द्वारा हुसैन खां को पराजित कर दिया जाता है। और जब हुसैन खां फाइनल रूप से पराजित हो जाता है, अकबर द्वारा हुसैन खां को पुनः बुला लिया जाता है अपने राज्य में, और इस प्रकार से तराई क्षेत्र में पुनः अधिकार कर लिया जाता है रुद्रचंद के द्वारा। तो रुद्रचंद वो व्यक्ति जिसने हुसैन खां का आक्रमण तराई क्षेत्र से असफल किया था। अब ये बात पता होती है अकबर को, ये पता हो जाता है कि रुद्रचंद के द्वारा तराई क्षेत्र में आक्रमण कर लिया गया, तराई क्षेत्र में अधिकार कर लिया गया, और वहां से जितने रोहिले मुस्लिम थे उन सबको रुद्रचंद के द्वारा भगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से अब अकबर योजना बना देता है रुद्रचंद के खिलाफ आक्रमण करने की। लेकिन इससे पूर्व भी हमारा पहाड़ी शासक चंद शासक रुद्रचंद थोड़ा समझदारी से कार्य लेता है और वह अकबर के दरबार में मिलने के लिए पहुंच जाता है। तो यहां से आरंभ होती है रुद्रचंद की अकबर से भेंट। तो रुद्रचंद जब अकबर से भेंट करने के लिए जाता है तो कहते हैं कि अकबर उस समय अपने महल में नहीं होता या अकबर अपने राज्य में नहीं होता है। तो रुद्रचंद की भेंट होती है अकबर के शासन में, दिल्ली में जाके रुद्रचंद की भेंट होती है महेश दास से। रुद्रचंद महेश दास से मिलता है। ये वो महेश दास है जिसको बीरबल के नाम से प्रसिद्ध है। महेश दास दीने इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू ब्राह्मण था। तो महेश दास ब्राह्मण होता है और दीने इलाही धर्म स्वीकार कर लेता है, और इस प्रकार से इसको इतिहास में जाना जाता है बीरबल के नाम से। तो रुद्रचंद की मुलाकात होती है बीरबल से, और बीरबल अकबर और रुद्रचंद के बीच में मध्यस्थता का कार्य संपन्न करता है। तो कहते हैं इस समय जो अकबर होता है वो अपने सैन्य अभियान नागौर अभियान में व्यस्त होता है। ये नागौर महाराष्ट्र वाला एरिया है। तो नागौर अभियान में अकबर अपने सैन्य अभियान में व्यस्त होता है, और रुद्रचंद के द्वारा यह कहा जाता है कि सर आप इस नागौर अभियान का नेतृत्व मुझे करने दीजिए। तो इस प्रकार रुद्रचंद के द्वारा अकबर के नागौर अभियान का नेतृत्व किया जाता है और नागौर अभियान जीत लिया जाता है रुद्रचंद के द्वारा। तो रुद्रचंद की इस वीरता से अकबर अत्यंत प्रभावित होता है और कहता है कि रुद्रचंद, हमने आपको तराई का क्षेत्र, जो तराई का क्षेत्र है उस समय उसको बोलते थे 84 माल का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र या 84 माल का क्षेत्र। तो 84 माल या तराई की जो जागीर होती है वो पुनः रुद्रचंद को दी जाती है। इस घटना का वर्णन अकबर ने अपनी आत्मकथा आईने अकबरी में भी किया गया है। तो इसकी जानकारी हमें आईने अकबरी से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त रुद्रचंद के द्वारा जो महेश दास है, महेश दास को उपहार स्वरूप यह कहा जाता है कि जब भी चंदों के उसमें कुल पुरोहित के रूप में पंडित चाहिए होगा तो महेश दास वो आपके संतानों को उसमें पंडित बनाया जाएगा या पुरोहित बनाया जाएगा। तो इस तरह से अकबर के आक्रमणों से हमारे अल्मोड़ा को सुरक्षित रखा गया था रुद्रचंद के द्वारा। तो रुद्रचंद को 84 माल की जागीर दे दी जाती है, और कहते हैं रुद्रचंद जब अपने राज्य अल्मोड़ा में वापस जा रहा होता है तो इसी 84 माल नामक क्षेत्र में रुद्रचंद के द्वारा एक शहर को स्थापित किया गया है। उस शहर का नाम है रुद्रपुर। तो रुद्रपुर नगर को स्थापित करने वाला व्यक्ति वो है रुद्रचंद। रुद्रचंद जो चंदों का एक शक्तिशाली व्यक्ति है, शक्तिशाली शासक है। इसके अतिरिक्त रुद्रचंद जो है चंदों का एक महत्वाकांक्षी शासक भी होता है। तो रुद्रचंद के द्वारा अब आक्रमण किया जाता है डोटी क्षेत्र में, तथा इसके पश्चात रुद्रचंद अपने साम्राज्य विस्तार को बढ़ाने के लिए गढ़वाल में भी आक्रमण किया जाता है। तो पहले हम लेके चलेंगे रुद्रचंद का डोटी अभियान। जैसा कि हमने पूर्व में कहा था कि जो शोर का क्षेत्र है वो तो हमारे चंद शासकों को बालो कल्याणचंद के उससे मिल गया, परंतु सिरा का क्षेत्र अभी चंदों के पास नहीं था। तो रुद्रचंद के द्वारा आक्रमण किया जाता है शीरा क्षेत्र में। शीरा इसको जो कि डोटियों के अधीन था, और वर्तमान में सिरा की जो लोकेशन देखी गई है ये डीडी हाट का क्षेत्र है। डीडी हाट के क्षेत्र को शीरा का क्षेत्र कहा जाता है। तो सिरा को जीतने वाला व्यक्ति रुद्रचंद था। इस अपनी शीरा विजयी के लिए रुद्रचंद के द्वारा अपने एक सेनापति को नियुक्त किया जाता है जो कि राजभक्त आदमी था। उसका नाम था पुरुषपंत, और अन्य राइटरों के द्वारा इसको पुरुषोत्तम पंत कहा गया है। तो रुद्रचंद के सेनापति का नाम था पुरुष पंत या पुरुषोत्तम पंत। तो रुद्रचंद पुरुष या पुरुषोत्तम पंत की सहायता से डोटी अभियान के लिए जाता है। देखिए जो डोटी है एक शक्तिशाली जाति है, इसको हरा पाना आसान नहीं है। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक कहानी सुनने को मिलती है और यह कहानी भारतीय इतिहास को भी कहीं ना कहीं से जोड़ के चलती है। तो संक्षिप्त में सुनते हैं, छोटी सी स्टोरी ये थी कि रुद्रचंद और पुरुषपंत डोटी को जीत नहीं पा रहे होते हैं। तो युद्ध के संध्या पश्चात रात में दोनों एक बैठे होते हैं और कुछ दूरी पर देखते हैं कि एक जो बूढ़ी महिला होती है वो अपने बच्चे को डांट रही होती है। तो रुद्रचंद और पुरुषपंत दोनों मिलकर जाते हैं। तो वो बूढ़ी महिला अपने बच्चे से कहती है, बेटा तुमसे खीर नहीं खाई जाती और रुद्रचंद से शीरा का क्षेत्र नहीं जीता जा रहा। तो रुद्रचंद और पुरुषपंत दोनों जाते हैं और कहते नहीं कि हम ही वो दोनों व्यक्ति हैं। तो वो उनसे लेडी ओल्ड लेडी से पूछते हैं, बुजुर्ग महिला से पूछते हैं कि आंटी कि आप बताइए कि किस तरह से ये बच्चा खीर खाएगा। तो वो महिला कहती है, देखो मेरे बच्चे को मैंने अपने बच्चे को खीर एक पत्ते में दी है और खीर अभी गर्म है। तो मेरा पुत्र सीधे बीच में हाथ मार रहा है तो उसका हाथ भी जल रहा है और जो साइड में जितनी खीर है वो सब भी गिर जा रही है। तो यही गलती पुरुषपंत भी कर रहा है। पुरुषपंत जब शीरा में आक्रमण कर रहा है तो वो डायरेक्ट शीरा के महल में आक्रमण कर रहा है, सीधे राज्य में आक्रमण कर रहा है। तो पुरुषपंत को ये करना चाहिए कि उसको पहले शीरा की किलेबंदी घेराबारी करनी चाहिए और रसद, जो शीरा में रसद है, रसद का अर्थ होता है जहाँ से भोजन सामग्री होती है, इस रसद को रोक देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। तो यही स्ट्रेटजी को लेके रुद्रचंद आक्रमण कर देता है पुरुषपंत की सहायता से शीरा में और शीरा क्षेत्र को जीत जाता है। तो भारतीय इतिहास में यह जो कहानी मिलती है ये हमें चंद्रगुप्त मौर्य और उसके महान से प्रधानमंत्री कौटिल्य, जिसको हम अपनी ओर से चाणक्य कहते हैं, उनकी भी कहानी और कुमाऊं की दोनों कहानी में सम्मिलित रूप से बोला जाता है। तो इस प्रकार से रुद्रचंद के द्वारा शीरा क्षेत्र को जीत लिया जाता है। रुद्रचंद एक महत्वाकांक्षी शासक है। शीरा को विजय करने के पश्चात रुद्रचंद अपना गढ़वाल अभियान को प्रारंभ करता है। तो जैसे कि हमने देखा कि डोटी अभियान के पश्चात या शीरा अभियान के पश्चात रुद्रचंद के द्वारा गढ़वाल अभियान किया गया था। तो आज के उसमें हम रुद्रचंद के सिर्फ डोटी अभियान तक बात करते हैं, बाकी रुद्रचंद का गढ़वाल अभियान तथा इसके पश्चात रुद्रचंद ने क्या क्या कार्य किए थे, जैसे उसके लोकहित कार्य भी कह सकते हैं या रुद्रचंद जो खुद भी था अपनी ओर से संस्कृत का एक महान विद्वान था। और इसके बाद डोटी अभियान के बाद हम रुद्रचंद के पवार आक्रमण के साथ साथ रुद्रचंद के द्वारा जो अन्य कार्य किए गए थे उसको हम अपने आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।